हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा विश्वास रखा जाता है। माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के जरिए एक व्यक्ति अपने आने वाले जीवन में होने वाले तमाम तरह के बदलावों के बारे में जान सकता है। वहीं आपको इस बात की भी जानकारी दे दी, जहां आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे, वहीं आपके जीवन में आगे क्या कुछ घटित होने वाला है, इस बारे में भी आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो बताया गया है, इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, जिनकी स्थिति हमेशा ही बदलती रहती है और इन्हीं बदलती स्थिति का प्रभाव हर एक राशि पर पड़ता है। ज्योतिष में कुल 12 राशियां बताई गई हैं। हर व्यक्ति की अपने नाम के अनुसार अपनी एक अलग राशि होती है, जो से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से अलग बनाती है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ग्रहों में जो ये लगातार बदलाव होते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता ही है। बता दें आप लोगों को यहाँ पर कि अब ज्योतिष के महान ज्ञाताओं का ऐसा कहना है कि साल 2020 में गुरु यानी कि बृहस्पति अपनी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपकी अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये बता दें कि 30 मार्च 2020 को ये अपनी स्वयं राशि धनु में से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और दोबारा से 30 जून को वक्रीय होकर धनु राशि में आ जाएंगे। फिर इसके बाद ये 20 नवंबर को मकर राशि में वापस से परिवर्तन करेंगे। गुरु ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है, सबसे बड़ा गुरु ग्रह को माना गया है और यकीन मानिए ज्योतिष शास्त्र में इस परिवर्तन को बहुत ही बड़ा राशि परिवर्तन कहा जा रहा है, जिसका प्रभाव हर एक 12 राशि को अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। तो वहीं आज की इस रिपोर्ट में हम आपको उस एक राशि के बारे में बताएंगे जो कि गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन से अब माला माल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, गुरु जो कि बृहस्पति ग्रह है, गुरु को सबसे बड़ा ग्रह बताया गया है। वही गुरु को 9 ग्रहों में ज्ञान सत्कर्म का कारक बताया गया है। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बता दें आप लोगों को गुरु के इस राशि परिवर्तन की वजह से इस एक राशि वाले जातक को अपने जीवन में तरक्की के नए रास्ते मिलने वाले हैं। धर्म कर्म के मामलों में इनका दिमाग इनका ध्यान ज्यादा लगने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो जरूर करें। ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ बताया जा रहा है। इस समय का आपको लाभ मिलने वाला है। परिवार के लोगों के साथ अब आप किसी प्रकार की तीर्थ स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स आपसे बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। कामकाज में आपका पूरी तरीके से मन लगने वाला है और अब आपके द्वारा बनाई जा रही कोई योजना सफल हो सकती है, उस योजना का अच्छा परिणाम आपको हासिल हो सकता है। चलिए फिर आपको उससे एक राशि के बारे में भी बता देते हैं जो कि कोई और नहीं मेष है। गुरु के इस परिवर्तन से मेष राशि वाले लोग बनेंगे मालामाल। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।